हाँ जी बेटा, लेट अस डू द कॉम्पोजिट फंक्शंस ऑफ द कॉन्टिन्यूटी जो मेरे पास है बेटा। लास्ट कॉम्पोजिट नंबर्स के क्वेश्चंस रहते थे एक दो, तो हम वही करेंगे बेटा पहले। आफ्टर देन वी कैन डू द डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव टॉपिक। जो स्टार्टिंग वाला हम ऑलरेडी प्लस वन में भी कर चुके हैं। तो बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 31st से मैंने स्टार्ट करवाना था, और पेज जो है 161 पे। अगर मैं स्टार्ट करूं ऐसा करते हैं, 32 करते हैं। 31st क्वेश्चन हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे। तो 32 क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मॉड ऑफ कॉस एक्स है बेटा। सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉम्पोजिट फंक्शन को बनाना आना चाहिए बेटा, ठीक है। उसके लिए आपको क्लियर कट है, मैं इस फंक्शन को अगर एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एच ऑफ एक्स लिखूं बेटा, तो क्लियर कट मॉड बाहर आ रहा है, तो दैट मींस जी ऑफ एक्स मेरे पास मॉड फंक्शन है, और एच बाद में आ रहा है, और अंदर कौन सा फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन। ये बनाना बहुत जरूरी है। तो आप क्लियर कट लिख सकते हो मेरे पास जो है इसको जी ऑफ जो है एच अंदर, दैट मींस कॉस एक्स। तभी देखो जी ऑफ एक्स की बजाय जी ऑफ कॉस एक्स है, तो जी ऑफ कॉस एक्स इज मॉड कॉस एक्स फंक्शन बन गया ना। आप बता सकते हो वेयर दिस। अब आप कहोगे क्लियरली आपको पता है मॉड एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कोई ब्रेकेज नहीं होती। विदाउट लिफ्टिंग अप योर पेन यू कैन ड्रॉ द वी, इसका यही डायग्राम होता है ना। आपने यहां से स्टार्ट किया बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी में, कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होती। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, इन इट्स डोमेन या फॉर ऑल रियल इन इट्स डोमेन, ओके। एंड मेरे पास जो है कॉस एक्स, आपको भी पता है टी रेशियोज कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है साइन कॉस, कॉस एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन, दैट इज फॉर ऑल रियल। तो दैट मीन्स के मेरे पास बेटा यहां पर देयर फोर कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन दैट इज मेरे पास क्या हो गया बेटा, अगर आप देखोगे दैट इज एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, वो क्या है इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जी ऑफ एच एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। मेन है हमें कॉम्पोजिट फंक्शन को बनाना आना चाहिए, हाउ टू डू इट, क्लियर बेटा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे पास 33rd। मेन सिर्फ इसमें तो वर्डिंग ही लिखनी है, कोई प्रूफ नहीं करना, कोई कुछ नहीं होता, हम सीधा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर जो है 33 पेज 161 पे, 33 पे बेटा। अब खुद बनाइए जरा, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट विल बी जी एक्स एंड व्हाट विल बी एच एक्स। हाँ जी अभिरूप, अभिरूप अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, अभिरूप अनम्यूट योर सेल। नहीं भी आता कोई बात नहीं, हम डिस्कस तो कर सकते हैं, अपने आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने ऑप्शन दी नहीं हुई है। जल्दी जल्दी m g of x then g g bracket x sin x हो जाएगा और h x हो जाएगा मेरा mod x। ओके वेरी गुड, लक्षित ने बिल्कुल करेक्ट किया बताया मुझे कि जी ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास साइन एक्स बन जाएगा, और जो एच एक्स है वो मॉड एक्स हो जाएगा। हमें जी ऑफ एच एक्स मतलब जी ऑफ मॉड एक्स अगर हम कैलकुलेट करें तो बेटा वो 100% साइन मॉड एक्स बन जाता, साइन के अंदर मॉड, सिंस मॉड एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन।
sin x is a continuous function, so its a composite function is also a continuous function. आपको बताना जरूर होता है कि gx क्या लिया, hx क्या लिया, तो उसको explain करना. I think आप लोगों को composite function बनाना समझ आ गया सबको. Clear to everyone? Srishti, is it clear? ओके चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर जो है 34. फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी जो है ऑफ एफ डिफाइंड बाय द फंक्शन. बेटा मुझे पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी कैलकुलेट करनी है किसकी बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34 for function that is mod x minus mod x plus 1. बेटा आप चाहो तो इसको अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ओके आप चाहो तो यहां पर हम केसेस के साथ भी शो कर सकते हैं. ठीक है केस कैसे बनाएं, एक यहां का क्रिटिकल पॉइंट कैलकुलेट करें तो x इज इक्वल टू जीरो, जीरो पे चेक करें. सेकंड अगर इस अंदर वाली टर्म का क्रिटिकल पॉइंट देखें तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू माइनस वन, वन पे लेफ्ट और राइट पे चेक करें, वन इज दिस केस. ठीक है कि आप दोनों पे जीरो पे चेक करो, माइनस वन पे चेक करो और आप चेक कर लीजिए. दूसरा केस क्या है, हम सिंपल कहें हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट से ही, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन से ये किया है कॉन्टिन्यूटी में कि अगर कोई एक फंक्शन दो फंक्शन के प्लस या माइनस से बना हुआ है और दोनों ही कॉन्टिन्यूज है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मैं जीरो पे चेक करूं है ना, अगर जीरो पे देखूं तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूज होगा, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूज होगा, फिर मैं माइनस वन पे चेक करूं ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूज होगा, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूज होगा, तो दैट मींस कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी कॉन्टिन्यूज होगा एट जीरो भी एट माइनस वन भी. तो इट इज अप टू यू हाउ यू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन. ओके आप दो केसेस बना के पहले लिखिए, वी आर चेकिंग एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इन सेकेंड केस वी आर चेकिंग एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, वहां से लेफ्ट लिमिट का देखिए, वहां से राइट लिमिट का देखिए. ओके क्लियर टू एवरीवन? हां जी रसिका इज इट क्लियर टू यू, रसिका इज इट क्लियर टू यू, तेगवीर तेगवीर इज इट क्लियर टू यू? ओके ठीक है बेटा सबको बात क्लियर होगी. तो यहां पर कॉन्टिन्यूटी के हमारा कॉन्सेप्ट हर टाइप का हमने कवर कर लिया है, बट देयर आर सो मेनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट माइट कम इन वन नंबर और इन थ्री मार्क्स और इन फोर मार्क्स. ठीक है तो दैट आई विल सेंड, आई विल गिव यू द टाइम, यू कैन डू इट एंड आस्क योर प्रॉब्लम्स. ओके तो मैं जो है अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करवाने लगी हूँ, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक दिन लगा के डिस्कस करेंगे. अब डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे जो है, अगर आपको याद हो हमने प्लस वन में बेटा डेरिवेटिव किए थे, हमने बाय डेफिनेशन कैलकुलेट की थी कि हमारे पास जो है डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने डायरेक्ट मेथड से भी, क्योंकि लास्ट ईयर डेफिनेशन से डिलीट हो गया था तो हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव किया था. साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एक्स पावर एन का डेरिवेटिव, पावर आगे चले जाती है एक पावर कम हो जाती है, ये सारे डेरिवेटिव के है ना, उसी को हम यहाँ पर करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट जो है, जब हम डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर फंक्शन का लेते हैं तो हम उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन. आपको पता है किसी भी फंक्शन का, मान लो एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो हम इसको डी वाई बाय डी एक्स या एफ डैश एक्स या वाई डैश, जब डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी फंक्शन का
जो प्रोसेस होता है फाइंडिंग द डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, उसे हम बेटा कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डीवाई बाई डी एक्स से। फंक्शन है तो एफ डैश एक्स भी लिख देते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब ही है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई डैश भी लिखा तो मीन्स विद रिस्पेक्ट टू। जनरली अगर कोई और वेरिएबल हो तो हम नीचे मेंशन जरूर करते हैं, जैसे विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पर। डिपेंड करता है फंक्शन इस वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमने क्वांटिटी के चैप्टर में ही डिफरेंशिएबिलिटी क्यों लेके आए। दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यू जरूर होगा ही होगा, 100% होगा। ये वन नंबर का क्वेश्चन बहुत बार बनता है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू मीन्स एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, that is not true, that is not true। मैंने पता कैसे लर्न किया हुआ है, d से डिफरेंशिएबल है, c से कॉन्टिन्यूस है। d से डॉग, c से कैट। डॉग हमेशा कैट को भगा सकता है, खा सकता है, बट उल्टा ट्रू नहीं होता। कैट डॉग को खा जाए या भगा दे, That is not possible। कभी भूलेगा नहीं आपको। Differentiability, कोई function differentiable है तो वो 100% continuous होगा। This is 100%। But converse is not true। Converse is not true means every continuous function is differentiable। That is not true। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके जी, लर्न करने का ही, कभी नहीं भूलेगा। डैग डॉग कैट को भगा सकता है, खा सकता है, लेकिन कैट डॉग को भगा दे या खा ले, दैट इज नॉट। ओके जी, क्लियर। अब चले बेटा मेन क्वेश्चंस को, कि हमारे पास जो है हमने जो बात करनी है, नॉर्मल डेरिवेटिव तो हमने प्लस वन में कर लिए थे, अब हमने कॉम्पोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव। जबकि ये भी चीज हम आपको प्लस वन में करवा देते हैं कि चेन रूल, अगर आपको याद हो, बट फिर भी हम इस सारे को आज एक बार रिकॉल करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, दैट इज द टॉपिक मेन, चेन रूल। और याद रखना, चेन रूल हमेशा हम कॉम्पोजिट फंक्शन में ही यूज करते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन, ओके बेटा। तो यहां से आपको कॉम्पोजिट फंक्शन भी अभी हमने करवाए कि जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो इनका डेरिवेटिव लेना। लेट अस डू एक्सरसाइज, उसी से कवर हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज 5.2। ओके, इसी में कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो, बिफोर स्टार्टिंग आई विल राइट हियर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। पहले आपको एग्जाम्पल से कराऊंगी, फिर इसको मैं फॉर्मूला ड्राइव करके आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने लिखा। आपको भी पता है हम कैसे करते थे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई डैश होना साइन एक्स चाहिए था, है ना, क्योंकि मुझे साइन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। बट यहां एक्स नहीं है, यहां पर एक्स नहीं है। एक्स के साथ, एक्स की प्लेस में जो है ना, उसका डेरिवेटिव। तो मेरे पास कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। अब इसका डेरिवेटिव आपको पता है, पावर आगे जाती है, एक पावर कम, और फाइव का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। तो दैट मींस टू एक्स
cos x square plus y. ध्यान से बेटा देख लीजिए, see it carefully, any doubt you can ask me.